पेंसिल का कमाल। एक दिन चेतन के स्कूल में जादू का खेल हुआ। जादूगर ने बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए। सब बच्चे करतब देख के चकित रह गए। जादू के खेल के बाद जब सब घर जाने लगे तो चेतन को स्टेज के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाके देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। चेतन ने वो पेंसिल उठा ली और वो भी अपने घर चला गया। अगले दिन रविवार था। चेतन की माँ ने उसे होमवर्क करने के लिए कहा। चेतन बेटा, स्कूल का बहुत होमवर्क है, टीवी बाद में देखना, पहले होमवर्क कर लो। माँ, थोड़ी देर और बस। बिल्कुल नहीं, पहले होमवर्क। चेतन अनमने ढंग से उठा और अपनी बुक्स निकाल के होमवर्क करने बैठ गया। उसने अपने कंपस में से वही चमकीली पेंसिल निकाली। चलो आज इसी से होमवर्क करता हूँ। जैसे ही लिखने के लिए उसने पेंसिल को पेपर पे लगाया, पेंसिल गोल गोल घूमने लगी और उसके हाथ से छूट गई। फिर अपने आप पेंसिल पेपर पे चलने लगी। चेतन हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या। कुछ ही सेकंड्स में उस पेंसिल ने उसका सारा होमवर्क कर दिया। चेतन ने सारे आंसर्स मैच किए, सब सही थे। इस पेंसिल ने तो सारे आंसर सही लिखे हैं और हैंडराइटिंग भी बिल्कुल मेरे जैसी। तभी पेंसिल ने पेपर पर फिर से कुछ लिखा। ओह, तो ये जादुई पेंसिल है, अब तो बड़ा मजा आएगा। चेतन ने फटाफट उस पेंसिल की मदद से सारा होमवर्क खत्म कर दिया। माँ, मेरा होमवर्क हो गया, मैं टीवी देख रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ माँ, आप चेक कर लो। माँ ने चेक किया, होमवर्क पूरा था। वो भी सोचती रह गई लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। चेतन मन ही मन खुश हो रहा था। अरे वाह, इतनी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। चेतन स्कूल में भी जादुई पेंसिल की मदद से सबसे पहले टीचर को सब सही सही लिख के दिखाने लगा। राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। चेतन ने मैजिकल पेंसिल की मदद से सबसे पहले उत्तर लिख लिए, लेकिन उसकी एक दोस्त वानी ये देख लेती है। मैंने लिख लिया टीचर जी। टीचर बहुत खुश हो गई। वेरी गुड चेतन। स्कूल के बाद वानी चेतन के पास आई और जादुई पेंसिल के बारे में बात करने लगी। चेतन, वो पेंसिल जादूगर अंकल की है, सबके जाने के बाद वो उसे ढूंढ रहे थे, तुझे वो पेंसिल लौटा देनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे लौटा दूं, ये तो मेरे बड़े काम की है। चेतन ने वानी की एक नहीं सुनी। चेतन उस पेंसिल से रोज सारा होमवर्क और स्कूल वर्क करवाने लगा। स्कूल में चेतन की बहुत तारीफ होने लगी। चेतन बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है, सब कुछ सही और फटाफट लिखता है। चेतन अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे स्कूल में परीक्षा का टाइम आ गया। परीक्षा से एक दिन पहले जब चेतन सो गया तो उसकी माँ उसका बैग जमाने लगी। अरे ये तो सो गया, कल परीक्षा है, इसके पास पेंसिल और रबर है कि नहीं। माँ ने देखा कि चेतन के कंपस में सिर्फ वही एक चमकीली पेंसिल है और वो भी बहुत छोटी हो चुकी है। अरे परीक्षा में इतनी सी पेंसिल से कैसे लिखेगा, राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, मैं इसे नई पेंसिल दे देती हूँ। और माँ ने उस जादुई पेंसिल को खराब पेंसिलों के डिब्बे में रख दिया और एक नई पेंसिल चेतन के कंपस में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह चेतन नाश्ता करके परीक्षा के लिए जाने लगा। माँ, मेरा कंपास। ये लो, और परीक्षा में सब कुछ अच्छे से और ध्यान से करके आना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मुझे सब आता है। स्कूल में जैसे ही प्रश्न पत्र आया, चेतन ने बिना पढ़े ही उत्तर पुस्तिका निकाली और कंपास खोला। कंपास खोलते ही उसके होश उड़ गए, जादुई पेंसिल की जगह नई पेंसिल थी। ये कैसे हो गया, मेरी पेंसिल कहाँ गई, अब क्या करूँ। चेतन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था क्योंकि उसने पढ़ाई तो करना लगभग छोड़ ही दिया था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और वो रोने लगा। क्या हुआ चेतन, क्यों रो रहे हो। चेतन ने रोते रोते टीचर को सारी बात बताई।
मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। मैं एक जादुई पेंसिल की मदद से सब सही करता था। मेरी पेंसिल खो गई है। अब मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। टीचर बहुत नाराज हुई। ये तो तुमने बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी माँ और प्रिंसिपल के साथ बात करनी पड़ेगी। चेतन की माँ को बुलवाया गया और प्रिंसिपल के साथ उनकी बातचीत हुई। चेतन ने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम ये वाला पेपर फिर से दे सकते हो, लेकिन सारे एग्जाम्स होने के बाद। थैंक यू सर। उस दिन चेतन को एक बात समझ में आई कि कभी भी किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हम किसी बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उसके बाद चेतन ने वो जादुई पेंसिल जादूगर को लौटा दी और फिर कभी किसी की चीज चोरी छुपे अपने पास नहीं रखने की कसम खाई। धन्यवाद, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की चीज बिना पूछे अपने पास नहीं रखूंगा। गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, तभी वाणी ने कहा, भैया मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है। लो वाणी, जल्दी से दवाई पी लो, देखना अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। आह भैया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। आह भैया ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन, याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं। और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए, तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों गलतियाँ गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को
बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सकें। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सकें।